चुनाव के समय दी गई गारंटियां अब कांग्रेस के लिए विरोध का रूप लेती हुई नजर आ रही है। रोजगार सहित अन्य गारंटियों को लेकर युवाओं ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले मंडी में युवाओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाल ने बताया कि सरकार बने हुए 5 महीने हो गए हैं और सरकार ने गारंटियों के रूप में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 1,00,000 नौकरियां देने का वादा किया था, पर सरकार द्वारा अभी तक नौकरियों को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। सरकार खुद कह रही है कि पीजीटी और कॉलेज कैडर में भी 25,000 से ज्यादा पद खाली है। मौजूद सरकार की व्यवस्था परिवर्तन के नारे पर तंज कसते हुए कहा कि व्यवस्था परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन इसमें रोजगार के नाम पर बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ शामिल है। इसी को लेकर सुरेश सरवाल राज्य अध्यक्ष भारत की जनवादी नौजवान सभा क्या कुछ कहती है वो आप सुनो। प्रदेश की सरकार ने जो चुनावों से पहले गारंटियां नौजवानों को और आम जनता के लिए दी थी कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो पहली कैबिनेट के अंदर इन गारंटियों को पूरा करेंगे, मगर अभी 5 महीने बीत चुके हैं और प्रदेश की सरकार ने जो युवाओं के साथ सबसे बड़ा वादा किया था कि हम 1,00,000 सरकारी नौकरियां देंगे, पर अभी तक जो है सरकार एक भी नोटिफिकेशन किसी भी सरकारी नौकरी का निकाल पाने के अंदर जो है कामयाब नहीं हो पाई है। लाखों जो युवा आज बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की चाहत रख रहे हैं, मगर सरकार जो है सरकारी नौकरी नहीं निकाल रही है। सरकार खुद कह रही है कि टीजीटी पीजीटी कॉलेज कैडर जो टीचिंग लाइन है उसके अंदर ही 25,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हैं, दूसरे और क्षेत्रों के अंदर भी जो पद खाली पड़े हैं, मगर अभी ये जो मौजूदा प्रदेश सरकार है, हमें ये लग रहा है ये जो बात कह रहे हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, ये नो डाउट व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं कि सरकारी नौकरियाँ ना निकालो, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करो, उनके जो इमोशंस हैं फीलिंग्स हैं उनको जो है अपने साथ जो चुनावों के टाइम में इस्तेमाल करो, अपना राजनीति चमकाओ और उसके बाद उन युवाओं को जो है दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। सरकार ने ये कहा था कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे हर महीने, मगर अभी तक उस वादे को भी जो है सरकार ने कोई भी जो उसके ऊपर कामयाबी उसके अंदर सरकार को नहीं मिली, ना ही उसको कर पा रही है। और तीसरा, जो 18 साल से लेकर 60 साल की युवतियों के लिए जो 1,500 रुपये हर महीने की बात की थी, वो भी जो है अभी तक इस वादे को पूरा करने के अंदर प्रदेश सरकार जो विफल रही है, उसके अंदर भी जो है वो उसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही है कि प्रदेश की सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि समय रहते अगर ये अपने जो मुद्दे थे गारंटियां थी अगर उनको पूरा नहीं करते, तो हमने पहले भी कहा था कि हमने जून और जुलाई के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है जत्थे निकाल रहे हैं और हम उसको सितंबर के अंदर एक मंडी के अंदर बड़े जत्थे के रूप के अंदर जो उसको कंक्लूड करने वाले हैं, जिसमें प्रदेश सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर जल्दी करें नहीं तो नौजवानों को जो संगठित करते हुए प्रदेश के अंदर जो है नौजवान सभा तीव्र आंदोलन करेगी।